चाहे कितने भी ताले लगा ले या पहरेदार बिठा दे, चप्पल चोर तो इनके जूते लेके ही जाएगा। किसी को बताना मत, अब जाओ। ओए पतीजे, ओए ये क्या जादू मंतर कर रहा है तू? चाचू ये जादू मंतर नहीं, ट्रैकर है। जैसे ही चोर आपके जूते चुरा के ले जाएगा, मुझे उसका ठिकाना इस मीटर पे पता चल जाएगा। ओए वाह पतीजे, तुसी ग्रेट हो। ओ छोटे से पॉकेट विच वड्डा सारा धमाका हो। ओए ला दे जूते। अरे जूते बिल्कुल नए हैं। आपको कितने दिन के लिए भाड़े पे चाहिए? एक दिन का भाड़ा 100 रुपया, लेकिन भाड़ा पहले देना होगा। ओके जी। मेरे भाड़े के बिजनेस की बोनी हो गई। यिप्पी यिप्पी या या, यिप्पी यिप्पी या, यिप्पी यिप्पी या, पी या आ। आ, ओए मेरे जूते कहाँ हैं? अभी तो यही थे। ओए चाचे भतीजे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चोर को पकड़ो, मेरे जूते तिजोरी से चोरी हो गए। मेरा भाड़े का बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ओए भतीजे, ओ तूने मेरे जूते ऑफिस के बाहर निकलवाए थे, कहीं चोर ना ले जाए। चाचू जानबूझ के निकलवाए थे ताकि चोरी हो जाए। देखो पता चल गया ना कि चोर कहाँ जा रहा है। इसे कैसे पता? चोर को नहीं छोड़ूंगा, मेरे जूते लेकर रहूंगा। अब चप्पल चोर का पता चला है तो मुझे अपनी सहेलियों को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ पर तुम किसी को मत बताना। जाओ जाओ। जे, वो ये तो चप्पल का पहाड़ बन गया है, इसका डंका और टोलकी को क्या फायदा? ये जरूर किसी और का प्लान है, अभी वो तीसरा आता ही होगा। बड़ी साई कितनी देर कर दी आते आते। सेठ जी अब शहर में कोई चप्पल नहीं बची है। आप फिर से चप्पल की कीमत बढ़ा दो और हमें भी माला माल कर दो। बात समझ में आई चाचू? हाँ भतीजा। अब ये पुरानी चप्पलें रामगढ़ के चोर बाजार में बेचेंगे। हाँ पैदल सेठ। अच्छा अब सीन सुन लो, हीरोइन की शादी है और उसकी शादी के जेवर बदमाश लोग लेकर भाग गए। रास्ते में हीरो और जासूस दोनों मिलकर एक वैन को रोकते हैं। जब वैन रुक जाएगी, हीरो और जासूस गुंडों की खूब पिटाई करेंगे। आए तो मैं क्या करूंगी? आप रो रो के चिल्ला चिल्ला के हीरो और जासूस को कहोगे इन गुंडों को छोड़ना मत, मारो और मारो, इन्होंने मेरी शादी खराब की है, छोड़ना मत इन्हें। अंकल फिल्म की स्क्रिप्ट कहाँ है? दीजिए ना, हमें देखना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। वो तो हमारे दिमाग में है। हाँ। चलो 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 सब लोग रिहर्सल करो। कुछ तो गड़बड़ है, फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, स्टोरी भी नहीं बता रहे, चेक करना होगा। पहले गाड़ी वहाँ से आएगी तो कैमरा यहाँ लगाना। शक था, खोजी अंकल ये फिल्म डायरेक्टर नहीं, ये खूंखार सिंह है और जरूर ये चोरी के लिए आया है। फिल्म शूटिंग के बहाने ये एक वैन लूटने वाला है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तुम्हें गाना नहीं गाना है, वैन रोकनी है। दोनों हाथ साइड में ऐसे फैलाओ जैसे सड़क रोक रहे हो, समझे? ओ बिक्री पाई, एक्टिंग कोई मजाक नहीं होती। ओए भैंस की पूंछ, पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता, शूटिंग के करेगा। ओके ओके फिर से देखिए। अब टेक हो
गया, वैन आ रही है, होशियार। ओके ओके, रोको गाड़ी, रोको। ये क्या चल रहा है, ये कौन है, किसने रोका गाड़ी को? इनको मत छोड़ना जी, इन्होंने मेरी शादी के जेवर लूटे हैं। क्या? इन्हें मारो, मारो इन्हें, मारो मारो, चोर है, लुटेरे हैं, मारो इनको, मारो मारो और मारो इन बदमाशों को, मारो इन्हें, अच्छी सजा दो। आइए आइए, क्या लेंगे आप? ओ जी, इन्हें कोई ऐसी चीज दिखाओ जो लंदन में ना मिले, तभी ये खरीदेंगे। और पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट तो ये पाउंड्स में करेंगे। हाँ। पाउंड्स? क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये शेविंग क्रीम लीजिए। इससे अच्छा क्रीम तो लंदन में मिलता। हम टोनी गोंसाल्वेस, लंदन में ना मिले ऐसा कोई चीज नहीं। क्या आपके पास इससे अच्छी कोई चीज नहीं है? पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट तो ये पाउंड्स में करेंगे। लगता है इसके पास कोई अच्छा चीज नहीं। चलो हम चलते हैं। आप तो नाराज हो गए, ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है, आप हमारा ये शरबत पी कर दी। हाय हाय, देखो तो सफाचट साबुन से मेरा चेहरा कैसे खिल उठा है, तो जल्दी से मुझे पूरे 10 सफाचट साबुन दे देना। क्या लाला जी, आपने तो हमें सफाचट साबुन के बारे में बताया ही नहीं, लंदन में नहीं मिलती ये चीज। अब टोनी गोंसाल्विस यही साबुन खरीदेंगे, क्यों, सही कहा ना? अब क्या करूं, मेरे पास उस साबुन का स्टॉक तो है ही नहीं। क्या नहीं है? आए, मैं चली। क्या एक ही चीज जो लंदन में नहीं मिलता, हम यहाँ से पूरा स्टॉक ले जाकर लंदन में बेचता, पर तुम्हारा दुकान में वो भी नहीं होता। वेरी बैड, वेरी बैड। हम यहाँ से जाता। ओह मिमिक्री भाई, ओवर एक्टिंग मत करो, लेने का देने पड़ जाएंगे। ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है। टोनी जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए सफाचट साबुन का पूरा स्टॉक मंगवा दूंगा। ओके, ठीक है ठीक है, पर शाम को हमारा फ्लाइट होता, उसके पहले साबुन हमको मिलना मांगता। ओके भल्ला, तुम्हारे पास जितने सफाचट साबुन हैं वो तुम मुझे बेच दो। क्या? वाह जी वाह, कमाल कर देता। ओ चाचे, भतीजे की सोच और खोज जी दी, खोज का कोई जवाब नहीं। की कीमत से दुगने दाम में अपना सोना बेचिए, ऑफर सिर्फ आज के लिए। वाह 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 वाह, मुफ्त में मिले सोने को दुगने दाम में बेचूंगा, माला माल हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, देखो भतीजे ने ऐसा केमिकल लाया है जो चुराए हुए सोने पर पड़ते ही ना नीला हो जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। पर हमने तो चोर को देख रखा है ना, तो उसे तो हम पहले ही पकड़ लेंगे, क्यों? चालाक चोर से चालाकी, पर मेरे पास भी सुपर वॉशर केमिकल है जो सारे केमिकल का निशान मिटा देगा, ये भतीजा मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। अब मैं उन्हीं के दुकान में जाकर सोना भी बेचूंगा और दुगने पैसे भी लूंगा। ओह नो,
ये साड़ी मेरे पैरों में फंस रही है। ओ चाचू, इस औरत ने ये आदमी की चप्पल क्यों पहन रखी है? कुछ तो गड़बड़ है। गिरगिट देवी नाम है मेरा, ये सोना बेचने आए हूँ। ओ जरूर जी। ओए बेटा, ओ जरा इस सोने का वजन तो कर। ओए रंग नहीं बदला, यानी ये गिरगिट देवी चोर नहीं है। चाचू, मुझे तो अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर यही चोर है तो जरूर वो केमिकल इसकी उंगली या अंगूठी पर भी लगा होगा।